मैं जब छोटा था तो मेरे वालदेन ने मुझे एक स्कूल में दाखिल करवाया जो मेरे गांव से मीलों दूर था, क्योंकि मेरे गांव में स्कूल नहीं था। मैट्रिक तालीम क्लियर होने के बाद मैं वापस गांव आया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चों समेत मेरे गांव के बच्चों को भी तालीम हासिल करनी चाहिए। कुछ अरसे बाद मेरे गांव में स्कूल मंजूर हुआ। उस स्कूल में मैं टीचर मुंतखब हुआ। शुरू शुरू में तो काफ़ी बच्चे आते थे, मगर 2010-2012 के सैलाब की वजह से कम्युनिटी वाले कुछ इधर उधर चले गए और बच्चों की भी तादाद कम हो गई, यानी ना होने के बराबर हो गई। सैलाब के बाद BRSP इदारा यहाँ आया, लोगों को मुनज़्ज़म किया, लोगों की तंजीमात बनाई। मीटिंग के बाद ये सोचा कि लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, बच्चों के दाखला के बारे में उनके वालदेन से मिलना चाहिए। तो हमने बच्चों के वालदेन को समझाया, कोशिश यह करे बारन के स्कूल मोकलने की कोशिश कर, जिंदगी कें सुठे तरीके से गुजरी सकती। शुरू में बच्चे खुले आसमान बैठकर तालीम हासिल करते थे और कम टाइम स्कूल में बैठते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी सख्त पड़ती है। हमने तंजीम की मीटिंग में यह तय किया कि बच्चों के लिए एक कमरा होना चाहिए। माशाल्लाह इस वक्त स्कूल की तादाद बढ़कर 60 हो गई है। इस वक्त बच्चे बाखुशी स्कूल आते हैं। आज मेरी तकरीर का अनवान यूसुफ अजीज मक्सी है। ये 60 बच्चे हैं, ये सब अपने गांव को तरक्की की तरफ ले जाएंगे।